अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और आप लोग मौजूद हैं मेरे साथ मेरे किचन यानी कि एनेक्स किचन में। और एनेक्स किचन में हम बहुत सारी एनेक्स की प्रोडक्ट आपके लिए लेके आते हैं, उसका यूज़ बता रहे हैं, उसकी केयर बता रहे हैं और किस तरह से आप उसको बहुत ही हैंडी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो है यहाँ पर एनेक्स का ये ओवन। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम यूज़ करेंगे ये ओवन टोस्टर और इसमें आप चाहे ग्रिल करें, आप चाहे इसमें बेकिंग करें, किसी तरह से भी आप कोई भी चीज़ बेक करना चाहें बहुत ही इजीली इसमें हो जाती है। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी मैक्रोनी। पहले चलेंगे अपनी कुकिंग की जाने। कुकिंग के बाद अपनी जो चीज़ जब हम अपनी टॉपिंग डाल देंगे मैक्रोनी पे, फिर हम चलेंगे टोस्टर ओवन की जाने और इसको हम करेंगे बेक। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं आज की रेसिपी के और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक मैं लूँगा पैन और फ्लेम ऑन करते हैं। और अब हमें चाहिए जनाब, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे, मैं इसको ज़रा सा यहाँ रखता हूँ, मेरे पास मौजूद है कुकिंग क्रीम। ठीक है, कुकिंग क्रीम हम ले रहे हैं और ये तकरीबन मैं यूज़ कर रहा हूँ 75 ml, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब। ठीक है जी, ये हमने कुकिंग क्रीम ले ली है और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में मैं यूज़ कर रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और ये यूज़ करेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, या आप अपनी चॉइस से हिसाब से भी डाल सकते हैं, लाइक कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च के बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसमें काली मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, तकरीबन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें 1/2 से 1 टीस्पून, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम ले लेंगे जनाब स्पून और इसको आपने मिक्सअप करना है और अब साथ ही हम इसमें डालेंगे जनाब ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स या ग्रीन ऑलिव्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें हैलपिनो, उसके बाद शिमला मिर्च और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं इसमें चिकन चंक्स। चिकन चंक्स कई दफ़ा आपको सिखाई हुई हैं आप प्रीवियस रेसिपी में, आप देख सकते हैं। बस अब इन तमाम चीज़ों के साथ हमने क्या करना है, हल्का सा हम इसमें यूज़ करेंगे पानी, हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा डन करेंगे और ऐड कर देंगे इसमें अपनी मैक्रोनी। बहुत सिंपल, आपने देखा झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। और अब इस स्टेज पे आप क्या कीजिएगा, आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी चीज़, तो हम इसमें चीज़ ऐड करते हैं। यानी थोड़ी सी चीज़ हमने इसमें ऐड की है ताकि चीज़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और उसके बाद बाकी की चीज़ जो है वो हम अपने डिश में डालेंगे और इसको बेक होने के रखेंगे ओवन टोस्टर में। ठीक है, और ये हमारे पास मैक्रोनी का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मैक्रोनी जनाब। यहाँ पर हमारे पास मैक्रोनी तैयार है और अब इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट करेंगे। जिस डिश में आपने बेकिंग करनी है, लाइक सर्व करना है, उस डिश में अच्छे से मिक्स कीजिए और अब हम इसको कर देंगे डिश आउट। अब हम अपनी डिश पर चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, मोज़रेला चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो चेडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, जो भी चीज़ आप डालना चाहें इस पर डाल सकते हैं। और अब इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी पार्सले या ओरिगैनो या थाइम, जो भी हर्ब आप डालना चाहें इस पर ऐड कर सकते हैं। अब हम ओवन टोस्टर को टेम्परेचर दे रहे हैं, तकरीबन मैंने इसको दे दिया है 210। उसके साथ अब ऊपर की ग्रिल मैंने ऑन कर दी है। ठीक है, फंक्शन हमें ज़रूरत नहीं है देने की और अब टाइम दे देंगे हम इसको तकरीबन 15 मिनट। और अपनी डिश जो है अब वो हम इसमें रख देंगे। ठीक है,
हमारी डिश चली गई, इसको क्लोज करेंगे और 15 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। और जनाब अब हम चेक कर लेंगे अपनी मैक्रोनी जो हमने बेक होने की रखी है कि कहाँ तक पहुँची। ज़रूरी नहीं है कि 15 मिनट्स ही लगें, उससे पहले भी हो सकता है। और अब यहाँ पर सेफ साइड मैं इसको ज़रा बहुत ही एहतियात से निकालूंगा और खूबसूरत कलर हमारे डिश पर आ चुका है। और आपने देखा कितना क्विक जो है हमारे ओवन टोस्टर ने काम किया है। और आप इसको बहुत ही आराम से प्लेस कीजिए। अब ये थी हमारी आज की बेक्ड चीज़ मैक्रोनी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी जो कि हमने बनाई है एनएक्स के ओवन टोस्टर में। और ओवन टोस्टर में जैसे मैंने शुरू में बताया, किसी भी तरह की बेकिंग आप बिना झिझक कर सकते हैं, चाहे पिज़्ज़ा हो, चाहे पेटीज़ हो, चाहे केक हो या पाई हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही आसानी के साथ इसमें बेक कर सकते हैं। आइंदा आने वाली एपिसोड में बहुत सारी बेकिंग की मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ हम बनाएंगे इसी ओवन टोस्टर में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।